वहीं टोंक जिले में बदमाश कितने बेखौफ हो चुके हैं इसका अंदाजा किस बात से आप लगा सकते हैं वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर खाकी भी महफूज नहीं है। अब पुलिस के जवान ही बदमाशों से महफूज नहीं है। बीती रात को पुलिस कांस्टेबल की बदमाशों ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी। दरअसल टोंक पुलिस लाइन में तैनात मुकेश जडेजा अपने गाँव से पुलिस लाइन लौट रहा था और इसी दौरान NH 12 पर टोल प्लाजा से पहले बदमाशों ने मुकेश को रोक कर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर दिए। गंभीर घायल मुकेश को सादत अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया और सूचना पर पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। तो बेखौफ हो चुके हैं बदमाश, पुलिस वाले भी अब सुरक्षित नहीं हैं, खाकी भी अब सांसद में है ये कहें तो गलत नहीं होगा। बदमाशों ने कांस्टेबल की हत्या की है और अब आला अधिकारी इस पूरे केस को देख रहे हैं, लेकिन लोगों में बहुत ज्यादा दहशत भी है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ रहे हैं। जियाउद्दीन, खनन माफिया वहां पर बहुत भारी दिखाई देते हैं, हावी दिखाई देते हैं, कांस्टेबल की हत्या करने वालों का क्या कोई कनेक्शन अवैध खनन से, क्या वजह बताई गई अब तक? देखिए, फिलहाल अब तक वजह सामने नहीं आ पाई है, लगभग 12 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि जल्दी इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। परिजनों की ओर से हत्या की संभावना को लेकर 3 नाम बताए गए हैं और 3 नामजद और 3 अन्य के नाम बताए गए हैं। पुलिस उनको भी राउंड अप किया है, पुलिस ने संदीप को भी राउंड अप किया था, उनसे पूछताछ चल रही है, लेकिन अब तक पुलिस इस नतीजे पर नहीं निकल पाई कि कांस्टेबल मुकेश की हत्या क्यों करी थी। मैं बता दूं कि कितनी दरिंदगी से उसको मारा गया था, पूरी प्लानिंग से उसके लोग आए थे। उसके शरीर के ऊपर जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें 9 चाकुओं के वार हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी दरिंदगी उस कांस्टेबल के साथ की गई थी। जी जियाउद्दीन, ये कितनी संख्या में बदमाश थे और क्या किसी तरीके की कोई रंजिश की बात भी अब तक परिजनों की तरफ से या आसपास के लोगों की तरफ से सामने आई है? क्या कुछ लोग वहां पर थे जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को देखा? देखिए, परिजनों का ये कहना है कि जब इसको मुकेश को मारा गया था, ये भागकर एक ढाबे के ऊपर जाते हैं, ढाबे पे तो वहां पे मौजूद लोगों से इसको अस्पताल के अंदर ले जाए जाते हैं। इसी बीच मुकेश 3 लोगों का नाम बताते हैं, क्योंकि पुलिस उन 3 लोगों से पूछताछ कर रही है, लेकिन अब तक उनकी तरफ से इसकी हत्या करने की बात नहीं स्वीकारी गई। ऐसे के अंदर पुलिस भी सांसद में है, आखिर इसकी हत्या किसने की और किस वजह से की, फिर पुलिस की तरफ से कोई बयान नहीं आ पा रहा है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि पुलिस की नाकामी है, सबसे बड़ा फेलियर है यहाँ। लेकिन अब ये तो बड़ी बात ये हो गई ना कि अगर आपके ही महकमे के किसी कर्मी की हत्या कर दी जाती, किसी कांस्टेबल की हत्या कर दी जाती है, तब भी अगर पुलिस के हाथ खाली रहते हैं, पुलिस कोई बयान देने की स्थिति में नहीं होती है, तो ये तो बहुत शर्मसार करने वाली हालत है। यानी कि पुलिस पर तो कोई एतबार ही ना करे कि पुलिस कुछ कर पाएगी। देखिए, एतबार की बात नहीं है, पुलिस की तरफ एक रटा रटा या बयान होता है, जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी, लेकिन कब तक इसका जवाब किसी अधिकारी के पास नहीं है। जब इस बारे में पूछा जाता है तो कहते हैं जांच चल रही है। जांच के नाम पे पूर्व में भी जब आम आदमी के कई बार ऐसी घटनाएं हुई, जब आम इंसान का मर्डर होता है, हत्या होती है, उसके अंदर भी पुलिस का यही जवाब रहता है, लेकिन पुलिस अपने महकमे के कांस्टेबल के लिए गंभीर नहीं है, तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि आम जन के लिए कितनी गंभीर होगी। और इसका नतीजा ये होता है कि हर बार यहाँ पे जब हत्या और जैसे मामला संगीन अपराध के मामले सामने आते हैं, जनता को सड़कों पर उतरना पड़ता है, उतरने के बाद प्रदर्शन करना पड़ता है, तब जाके पुलिस तत्परता दिखाती है और आरोपी को गिरफ्तार करती है। लेकिन जियाउद्दीन, सवाल तो यही है कि ये घटना कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन क्या कोई सुराग नहीं मिल पाया कि कैसे यहाँ पर बदमाशों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया? कोई झगड़ा हुआ था, कोई विवाद हुआ था ढाबे पर, कोई जानकारी मिल पाई कहीं कुछ? बात पूरी ये बताई जा रही है कि जब मुकेश जडेजा था ड्यूटी करके अपने घर पे लौट रहा था, क्योंकि पुलिस लाइन के अंदर तैनात था, इसी के बीच में सोनवा टोल प्लाजा के आगे जब पहुंचता है, वहां पे कुछ लोग उसको घेर लेते हैं, घेर कर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर देते हैं। घायल अवस्था के अंदर, खूनखान लहूलुहान हालत के अंदर ये ढाबे के पास पहुंचता है, वहां पे मौजूद लोग इसको पहचान लेते हैं और तत्काल इसको अस्पताल ले जाते हैं। इसी बीच के अंदर जो परिजनों का और ग्रामीणों का कहना है कि वो 3 लोगों का नाम बताता है, लेकिन ये बात पुलिस पुष्टि नहीं कर रही कि उसने घायल अवस्था में नाम बताया। तो दिक्कत कहाँ है जब वो कांस्टेबल मरने के पहले अपना बयान देकर जाता है, 3 लोगों के नाम लेकर जाता है, तो अब तक उनकी गिरफ्तारी करके क्यों नहीं साफ तौर पर उनको पेश किया जाता है? देखिए, इस बारे के अंदर हमने बात की थी पुलिस की, जो नामजद आरोपियों का नाम बताए गए हैं उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई अब तक। रात को एक संदिग्ध को आपने गिरफ्तार करने का दावा किया था, पुलिस के ज्यादातर अधिकारियों की तरफ से दावा किया गया था इसी ने इसकी हत्या की है, लेकिन सुबह होते होते साफ हो जाता है कि वो इसके हत्या के अंदर शामिल नहीं है। ऐसे के अंदर पुलिस की जो कार्यशैली है उसके ऊपर सवाल किया, यानी कि जियाउद्दीन हम ये कहें कि उन लोगों को आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है पुलिस महकमे की तरफ से, कहीं पुलिस इसके अंदर एक पक्ष देखेगी। अगर राज
रंजिश का मामला आता है आपसी रंजिश का, तो पुलिस आसानी से इस मामले को डिस्क्लोज कर देगी। हाँ। लेकिन कहीं नशे का मामला आता है, कहीं इसके अंदर बजरी माफिया का कनेक्शन आता है। हाँ। तो पुलिस कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जियाउद्दीन तमाम जानकारी के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि पुलिस के आला अधिकारी जब अपने मातहतों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, उनको इंसाफ नहीं दिला पा रहे कि एक कॉन्स्टेबल बनने के पहले 3 नाम लेकर मरता लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तो आम लोगों की सुनवाई कैसे होगी? और क्या वाकई में यह अवैध खनन से जुड़ा हुआ मामला है?